नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एक डिस्कशन सोच लो जहां पर, जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल में देखा है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं, इज लाइफ टाइम वारंटी रियली दैट इम्पॉर्टेंट। हम में से बहुत लोग जो हैं वो जो मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर पंच में लाइफ टाइम वारंटी नहीं है, नेक्सॉन में लाइफ टाइम वारंटी है, अपने एक्सयूवी 400 में नहीं है, क्रेटा में लाइफ टाइम वारंटी नहीं है, तो क्या इन गाड़ियों को नहीं खरीदना चाहिए और सिर्फ लाइफ टाइम वाली बैटरी वाली गाड़ियों को ही खरीदना चाहिए? वेल, उसका जवाब वीडियो में मैं आपको दूंगा। सो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आने से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता देता हूँ, स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, ये एक ऑलमोस्ट मोनोलॉग होने वाला है, एक नॉलेज शेयरिंग है जहां पर मैं अपने थॉट जो है अनस्क्रिप्टेड अनफिल्टर्ड आपको बताऊंगा। या तो आप इसको 1.5x 1.7x में देख सकते हो, और क्योंकि ये मोनोलॉग होगा तो मैं कोशिश करूंगा इंटरैक्टिव बनाने का, जहां पर आप कमेंट्स देकर थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव और इंगेजिंग बना सकते हो। ओके, तो रिक्वेस्ट होगी वीडियो को पूरा देखना, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना करो और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको ना मैं 5 साल पीछे लेके चलता हूं। टाटा नेक्सॉन प्राइम 2020 में लॉन्च हुई थी, राइट? उस वक्त कुछ भी लाइफ टाइम वारंटी नहीं था, वही 8 साल 1,60,000 किलोमीटर, 8 years 1,60,000 किलोमीटर, फिर भी लोगों ने खरीदा। 2021 आई, वहां पे MG ZSEV फिर आई, अपनी जो BYD है वो आई, उन्होंने भी वैसे ही किया। फिर अपने 2022 तक XUV 400 आ गई, उन्होंने भी 8 years 1,60,000। तो ये लाइफ टाइम वारंटी की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बीटा फेज था, एक टेस्टिंग फेज था EVs के लिए, जहां पर बहुत अनसर्टेनिटी थी, क्लैरिटी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज कुछ भी नहीं था। EVs बेची गई, उनको मैनेज कैसे किया जाए, हैंडल कैसे किया जाए, चार्ज कैसे किया जाए, वो किसी ने नहीं बताया। स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा बिकी थी वो थी टाटा नेक्सॉन प्राइम, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी उस बेचारी गाड़ी पर ही आई, जहां पर उसने कमाल का रिस्पॉन्स दिया, और उसके वजह से ही, वो टाटा नेक्सॉन प्राइम के वजह से ही आज दुनिया भर की EVs जो है मार्केट में आ रही है और EV अडॉप्शन अपने हाइट पर है, नॉट हाइट नहीं बोलूंगा, एक अपवर्ड्स ट्रेंड पर है। तो उस पे इतनी प्रॉब्लम्स आई क्यों? तो ऐसा था कि वो जो बैटरीज थी वो कैलिब्रेट ही ओके आई थी चाइना से, सो इंडियन वेदर कंडीशंस के हिसाब से कैलिब्रेशन उसमें हुआ नहीं था, प्लस चार्ज कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, BMS भी जो था वो भी उस बैटरी को, क्योंकि चाइना से ही जस्ट कैलिब्रेट होके आई थी, प्रिज्मेटिक सेल्स तो नहीं थी, वो सिलेंड्रिकल सेल्स थी, पुराना टेक था बेसिकली। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, जहाँ पर लिमिटेड परफॉर्मेंस आ जाना, सडनली रेंज ड्रॉप कर जाना, फिर गाड़ी बीच सड़क में स्टॉप हो जाना जबकि आपकी चार्ज गाड़ी में है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। बट इन सब प्रॉब्लम्स के बीच पे आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू टाटा, एंड यू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, अगर आपने ये मुसीबत फेस की कि नहीं की। मैंने की थी, जहाँ पर मेरे बैटरी में प्रॉब्लम आई तो टाटा ने बैटरी पैक चेंज कर दी, दे वर रेडी, आई थिंक दे एंटिसिपेटेड दैट। जब जब प्रॉब्लम आई, जिन जिन को प्रॉब्लम आई, जहां तक मुझे पता है मोस्ट ऑफ देम 99% की बैटरी जो है उन्होंने चेंज कर दी। बट क्या ये ऐसे ही चलेगा? नहीं। तो यहां पर आया 2023 ऑगस्ट MG Windsor EV। आई गिव अ लॉट ऑफ थैंक्स, मैंने अपने बहुत सारे वीडियो पे MG Windsor EV को बहुत थैंक्स किया है, बिकॉज उसने रेवोल्यूशन ले आया एक, मतलब उन्होंने लाइफ टाइम वारंटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये समझाया। तो जो डर इंडियन बायर्स को था EV खरीदने के पहले कि अगर बैटरी खराब हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, वो डर MG Windsor ने पूरा निकाल दिया, जिसके वजह से उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया, और ट्रस्ट के साथ साथ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और अपना ट्रस्ट भी दिखाया, वहां पर गाड़ियां बहुत बिकी, आज भी बिक रही हैं, ठीक है ना। बट क्या जरूरत थी उनको लाइफ टाइम वारंटी? क्या ये मार्केटिंग गिमिक था? शायद था, और ये अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्कीम्स अगर मैं कहता हूं तो यही थी,
एमजी की तरफ से पूरा तख्ता पलट कर दिया था। बट उसका एक और रीजन था, मैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीजों को समझने लगा हूं, मैंने ये देखा है, नोटिस किया है कि बीवाईडी, टाटा और महिंद्रा की जो एक्सयूवी 400 थी, 10-15 हजार चलने के बाद में तब जाकर 1% का जो स्टेट ऑफ हेल्थ ड्रॉप जो था वो आ रहा था। मगर सो मच सो एमजी की जो एमजी एस्टर भी थी, राइट, वो भी 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर पे आज भी वो बिकती है क्योंकि उसपे प्रिज्मेटिक सेल्स आती है। एक वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं, हल्की सी झलक दिखा देता हूं, जहां पर बताऊंगा हर ब्रांड के हर ईवी की कौन कौन सी बैटरी यूज करते हैं, एनएमसी करते हैं या फिर एलएफपी करते हैं। अगर वो देखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो देखा गया है कि विंसर की जो बैटरी डिग्रेडेशन है वो बहुत रैपिडली हो रही है, 8,000, 7,000, 8,000, 9,000 में 1% एसओसी ड्रॉप कर रही है। तो वो समझ गए थे कि अगर ये इस तरह से ड्रॉप करेगी तो ये एक लाइफ टाइम वारंटी नहीं देने से एमजी पर ही मुसीबत आ सकती है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो उन्होंने ही किया, बट ये तो इंडिया है, यहां पर तो मंकी सी मंकी डू, मतलब कि चलती चवारी सवारी पर चढ़ जाओ, मतलब राइड द वेव जिसको कहते हैं। नेक्स्ट जो हमला जो किया फिर इसी स्कीम पर वो थी महिंद्रा, और महिंद्रा ने यार मेरा यू नो रिस्पेक्ट अर्न किया है। मैं महिंद्रा को ज्यादा रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनलिटी नहीं करता हूं, बट जो इंटेंट है वो कंज्यूमर को, कंज्यूमर का थॉट प्रोसेस सोच के गाड़ी जो है वो बनाते हैं। BE6 और XEV9E जो इन्होंने बनाई है और वो जो बिकी है, उसके 3 प्राइमरी रीजंस है मेरे हिसाब से। सबसे पहला तो लुक्स, और दूसरा टेक। लुक्स और टेक फीचर्स मतलब भर भर के उस कार में दिए, इंक्लूडिंग LFP, इंक्लूडिंग ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी, क्योंकि 2024 आते आते सबको ये आइडिया हो गया था, 2024 या 25 बिगनिंग जब भी ये आते आते सबको ये आइडिया हो गया था कि BYD बेस्ट बैटरी देती है ब्लेड बैटरी, क्योंकि तब तक में ऐटो 3 ने कमाल की सेल्स उठाई थी। सो मच सो सील और सी लाइन आज तक बहुत अच्छी बिक रही है, वैल्यू फॉर मनी ईवी है मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस कार्स में। तो इन्होंने वो टेक उठाया, लुक्स अच्छे दे दिए, रेंज अच्छी दे दी, और साथ में लाइफ टाइम वारंटी भी दे दी। इट वॉज अ रेसिपी फॉर सक्सेस, लुक्स अच्छे, रेंज अच्छी, लाइफ टाइम वारंटी। प्राइस तो चलो आजकल लोन मिलना आसान हो गया है, तो लोन वोन मिल बुलाकर लोग जो अफोर्ड नहीं भी कर सक रहे थे वो 20 लाख, मतलब कि 27 लाख 30 लाख की गाड़ियां जो है वो खरीद ली। अच्छी गाड़ियां अच्छी हैं, बट अब थोड़े से डिस्काउंट पे वो मिल रही हैं, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही लगा रहेगा। जैसे जैसे नई गाड़ियां आएंगी पुरानी गाड़ियां सस्ती होती जाएंगी, इसलिए रीसेल वैल्यू भी जाने वाला। अच्छा, रीसेल वैल्यू पे वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। बट अगेन कमेंट सेक्शन में लिखो रीसेल वैल्यू पे वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो भी आपके लिए आ जाएगी, ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपके लिए। तो ये था लाइफ टाइम वारंटी का ये सिलसिला, और फिर टाटा ने बोला हे भगवान इस तरह से तो हम लुट जाएंगे। तो फाइनली 2025 में टाटा ने भी अपने हैरियर, नेक्सॉन और कर्व पे लाइफ टाइम वारंटी अनाउंस कर दी। हिस्ट्री क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या लाइफ टाइम वारंटी इंपॉर्टेंट है? तो देखो, अगर आज की डेट की गाड़ियां अगर आप खरीदोगे, उसमें 2-3 चीजें समझ लो। एक तो आप गाड़ी अगर खरीद रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो ईवी को, ठीक है ना। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो आपको पहले यह समझना है कि आपकी गाड़ी चल कितनी रही है। या तो 10-15 हजार साल में चल रही है, या तो 20-25-30 हजार चल रही है। अगर 20-25-30 हजार चल रही है, इसका मतलब आप गाड़ी को बहुत ज्यादा चला रहे हो, ज्यादा चला रहे हो तो पैसे भी ज्यादा बचा रहे हो, और अगर पैसे ज्यादा बचा रहे हो तो 8 साल तक अगर वो गाड़ी सही चली है तब तक आपने ऑलरेडी उस बैटरी पैक और गाड़ी के पैसे निकाल लिए हैं। हो सकता है 8 साल के बाद कोई प्रॉब्लम आए तो शायद आपको वारंटी ना भी मिले, बहुत सारे चौंचले उसमें लग सकते हैं, आपने गाड़ी को ओवर यूज किया है, थ्रेशोल्ड मीट नहीं किया है, चार्जिंग ठीक से नहीं की है, वगैरह वगैरह फलाना ढिमका, बहुत कुछ आ सकता है। अग्री करते हो कि नहीं ये बताओ। अब ये टाटा हो, महिंद्रा हो, एमजी हो, क्या हो मुझे नहीं पता, होपफुली नॉट दे विल
ऑनर देयर कमिटमेंट, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है लाइफ टाइम वारंटी से कुछ आनी जानी नहीं है। आप अपनी गाड़ी खरीदो, गाड़ी को चार्ज कैसे करते हैं सही तरीके से चार्ज करो, आप अपना यूज केस समझो। अगर आपकी गाड़ी ज्यादा चलती है तो मुझे जहां तक लगता है हर एक कंपनी का एक थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड क्या है? साल में हो सकता है मैक्सिमम साल में 20,000 किलोमीटर, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, उसको सत्य मत मान लेना, सच मत मान लेना, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली साल के 20,000 किलोमीटर। अब आप चला रहे हो 35,000, तो एक साल का थ्रेशोल्ड अगर है इनका कि 2% SOH डाउन हो सकता है, आपका डाउन हो रहा है 3-3.5, तो इस तरह से देखा जाएगा तो आपकी तो जो बैटरी पैक जो है वो 8 साल में एग्जॉस्ट हो जाएगी, करेक्ट। तो डिपेंड्स ऑन कपल ऑफ थिंग्स, लाइफ टाइम वारंटी इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं, बट जिनकी गाड़ियां ज्यादा नहीं चलती हैं लाइफ टाइम वारंटी होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने पैसे जहां पर सही से लगते हैं उस पर फोकस करो, क्योंकि एक तो आपकी गाड़ी कभी भी 2,00,000 किलोमीटर 10 साल में चलने से रही, और अगर वो नहीं चल रही है गाइज, एक बैटरी पैक 5-6 लाख किलोमीटर चलने के लिए केपेबल होती है, LFP स्पेशली, राइट, और बड़ी बैटरी पैक तो उससे भी ज्यादा। तो प्लीज लाइफ टाइम वारंटी के पीछे मत भागो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बट अगर नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अच्छी गाड़ी खरीदो। क्रेटा EV इज अ गुड कार, XUV 400 इज अ गुड कार, नाउ द 3XO EV इज अ गुड कार, पंच EV इज अ वेरी गुड कार, राइट। और किस पे जो नहीं मिल रही है BYD, तो क्या ही कहने यार, तो मतलब बेस्ट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकली इट्स द बेस्ट कार, राइट। बट इसके अलावा मोरलेस आजकल हर ही गाड़ियां में आपको लाइफ टाइम वारंटी जो है वो मिल जाएगी, और अभी तो सेकेंड हैंड मार्केट खुला नहीं है। एक पॉइंट जो कोई कंसिडर नहीं कर रहा है वो है, आपको भले ही लाइफ टाइम वारंटी एज अ फर्स्ट ओनर मिल रही है, जैसे ही आपने गाड़ी बेची सेकेंड ओनर को तो नहीं मिलेगी। तो अगर आपको गाड़ी लंबे टर्म के लिए रखना ही नहीं है तो लाइफ टाइम वारंटी हो चाहे नहीं हो उससे आपको क्या फर्क, सेकेंड ओनर को तो ऐसे भी नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा अगर आप कंपनी के नाम पर गाड़ी लेते हो तो डेप्रिसिएशन से वो पैसे जो है वो रिकवर कर लो। तो ऐसा बहुत कुछ है जो मैं अपने कंसल्टेंसी में, जब लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं तो बहुत तरह की इस तरह की बातें जो होती है जो हम करते हैं, जिससे आपको सही डायरेक्शन में मैं लेके जाता हूँ, आप करेक्ट परचेज अपने हिसाब से, अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है वो कर सको। ये काफ़ी आई अंडरस्टैंड मोनोलॉग हो गया, बट एक नॉलेज शेयरिंग ही है, जो मुझे नॉलेज है वो मैंने आपको बताया। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करना, वीडियो का हेल्प करना, बिकॉज इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में लेकर आता रहूँगा। फिलहाल के लिए दैट्स इट, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो को छोटा रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइज़।